नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव बुधवार सुबह चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो गया। 25 अक्टूबर को ओडिशा के पूर्वी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच पूर्वी तट को पार करने से पहले इसके भीषण चक्रवात में तब्दील होने की आशंका। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना की दहशत, तूफान के 25 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई। भारतीय रेलवे ने भी 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 नामों का किया ऐलान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी 5 पखाड़ी से लड़ेंगे चुनाव। शिंदे का साथ देने वाले सभी विधायकों को फिर टिकट मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनावी मैदान में उतरे। कल्पना सोरेन गांगिया सीट से टिकट मिला। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन का रास्ता साफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए फूलपुर सीट छोड़ने को तैयार। बदले में वह महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले रोड शो और जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रियंका गांधी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान बवाल। रंगोली और दीपक खराब करने को लेकर दो गुटों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित करीब 50 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सभी धमकी अफवाह साबित हुई। 9 दिनों में कंपनियों को 600 करोड़ का नुकसान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज होगी मुलाकात। 5 साल बाद एक औपचारिक बातचीत करेंगे दोनों दिग्गज। ब्रिक्स समिट के दौरान हो रही इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। वायु प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल। जहांगीरपुरी में बुधवार सुबह AQI 414 पर पहुंचा। आनंद विहार में AQI 403 हुआ। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू हुआ। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।